हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक पे अपना फैन पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए आपको फेसबुक का अकाउंट, जैसे कि हर कोई यूज करता है फेसबुक, तो वैसे ही आपको अकाउंट चाहिए। उसके बाद आप एक क्रिएट कर सकते हैं पेज, जिसको कहते हैं फैन पेज। तो जैसे ही आप आएंगे तो देखिए मैनेज पेज, क्रिएट पेज, तो ऐसे मैंने एक ऑलरेडी बना रखा है। क्रिएट ग्रुप, न्यू ग्रुप, क्रिएट एड, जैसे फेसबुक एड चलाना होता है तो आपको क्रिएट पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये नई विंडो ओपन होके आती है और इसमें लोकल बिजनेस प्लेस और कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, ब्रांड का कोई प्रोडक्ट है, आर्टिस्ट है, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान के देखते होंगे पेजेस होते हैं फेसबुक के, तो सिर्फ पोस्ट कर देते हैं आप, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हो और वो सिर्फ कुछ शेयर्स करते हैं आप, लाइक और कमेंट करके उन्हें बता सकते हो। तो जैसे आपके पास कंपनी है या फिर लोकल बिजनेस है तो मैं लोकल बिजनेस चूज करता हूँ। तो ऊपर यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है, बिजनेस का नाम, एड्रेस देना है। तो सबसे पहले चलिए हम कैटेगरी चूज कर लेते हैं और जो मेरी कैटेगरी है वो है बिजनेस या फिर इंटरनेट मार्केटिंग, जो मर्जी चूज कर ले, जो भी आपको सुटेबल लगता है। चलिए तो मैंने बिजनेस सर्विसेज चूज कर लिया और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो मेरे बिजनेस का नेम है वो है डिजिटल मार्केटिंग आइडिया, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं, अगर आप ब्लैंक एड्रेस छोड़ देंगे तो वो लेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने फरीदाबाद ऑलरेडी लिख दिया, तो इसको मैं नीचे ले लेता हूँ और यहाँ पे फरीदाबाद इंडिया ले सकते हैं हम। देखिए ऑलरेडी ये रिकमेंड कर रहा है तो इसमें से मेरा कोई भी नहीं है। यहाँ पे आप जिप कोड डाल दें जैसे 121001 और यहाँ पे फ़ोन नंबर इज इम्पोर्टेंट, तो फ़ोन नंबर आपका सही होना चाहिए। या फिर देखिए ये कह रहा है स्ट्रीट एड्रेस जो है वो मस्ट है, तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो मैं NIT डाल देता हूँ और फ़ोन नंबर में भी कंपलसरी ना हो, फ़ोन नंबर भी कंपलसरी है। तो चलिए फ़ोन नंबर भी डाल लेते हैं हम। तो ये हो गया मेरा फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर डाल दिया मैंने और देखिए ये मैं फर्स्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मेरे को 4 स्टेप और करने हैं, जिसमें पहला स्टेप है अबाउट। अबाउट मतलब आपकी बिजनेस किस, और भी आप कैटेगरीज को डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, मेरे लिए इनफ है। और भी कुछ इस मतलब रिकमेंड कर देता है, डिपेंड आप पे करता है कि आप उन्हें ऐड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अब मैं सर्च करके देख लेता हूँ SEO है क्या, तो यहाँ पे SEO नहीं मिल रहा मुझे। गूगल एडवर्ड देख लेता हूँ मैं एक बार, या फिर गूगल से भी कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा है ये, तो गूगल एडवर्ड भी नहीं कर रहा है तो छोड़ देता हूँ मैं, इतना ही मेरे लिए बहुत है। और यहाँ पे देखिए टेल पीपल व्हाट योर पेज अबाउट, तो अपने पेज के बारे में बताना है, अपने बिजनेस के बारे में आएगा, तो सिंपल मैं अबाउट अस के पेज से थोड़ा सा कंटेंट लेके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। ये हो गया मेरा। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फेसबुक का फैन पेज बना रहे हैं तो नाम जरूरी है। देखिए इट्स ईजियर, तो यहाँ पे मेक श्योर जब भी आप नाम देंगे तो अपनी कंपनी का नाम रहेगा, ताकि अगर कभी भी कोई भी नाम अगर सर्च करे, मान लो डिजिटल मार्केटिंग आइडिया, तो सीधा आ जाए। तो कभी भी अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे दें, facebook/digitalmarketingidea, सेव इन्फो कर देते हैं हम, सिंपल है। चलिए तो सेव किया मैंने, सेकेंड स्टेप पे मैं चला जाता हूँ अभी। तो ये देखिए यहाँ पे कहता है कि अपलोड योर फोटोज, या अपने कंप्यूटर से जैसे भी है आप यहाँ पे फोटो अपलोड करें। तो चलिए मैं एक अपना लोगो अपलोड कर लेता हूँ, डिपेंड करता है आप किस लिए बना सकते हैं, हो सकता है अपनी कंपनी के लिए या अपना, आप खुद का कोई फेमस ब्रांड है तो अपने ब्रांड की जो भी फोटो होगी आप उसे अपलोड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लोगो अपलोड किया है। सेकेंड थिंग कि ऐड टू फेवरेट्स, आपके जो फेवरेट्स हैं तो मतलब न्यूज फीड, मैसेजेस, इवेंट, तो मैं इसको स्किप करता हूँ, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है जो है वो है। और फोर्थ हो गया आपका पेज ऑडियंस। अब पेज ऑडियंस का मतलब ये है कि आप किसको चूज करना चाहते हो। एक होता है कि आप किसी कैटेगरी वाइज जैसे 18 साल या फिर 20 साल के बीच के एज को चुनना चाहते हो, तो आप इसमें भी स्पेसिफिक कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले मैं देख लेता हूँ कि जो मेरे बिजनेस का डिटेल है वो आ रहा है क्या यहाँ पे, क्योंकि मैंने गूगल से वेरीफाई करवाया हुआ है मैंने अपना बिजनेस, तो लेट्स चेक कि गूगल शो कर रहा है मेरा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल मैं NIT फरीदाबाद डाल दूंगा या फिर फरीदाबाद डाल दूंगा यहाँ पे, तो
तो ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे को। देखिए यहाँ पे डाल दिया मैंने, अब माइल चूज कर सकते हो आप। ये बेसिकली उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट करता है जब आप एड बनाते हैं। अब आगे बताऊंगा आपको कि फेसबुक पे एड कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए एज चूज कर सकते हैं, जेंडर जैसे मेन वोमेन, ठीक है आपकी लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, तो यहाँ पे बहुत सारी आपको लैंग्वेज मिल जाती हैं। तो एक ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट हम कर लेते हैं, तो फिर बिजनेस इंडस्ट्री में अभी हम यहाँ पे डाल लेते हैं एडवर्टाइजिंग डाल लेते हैं, क्योंकि हमारा काम ही एडवर्टाइजिंग का है। तो एडवर्टाइजिंग डाल के हम मेन वेमेन जो भी है आपका जेंडर चूज कर लें। मेक श्योर कि पूरी जो है फेसबुक पे जितना वो पूछ रहा है आप जो दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन वो दे दें। और देखिए ये आपका पेज क्रिएट हो जाता है, ऐसे पेज बन जाता है। आप किसी भी सेलिब्रिटी का देखते होंगे या फिर किसी भी ब्रांडेड जो कंपनी होती है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, उनका भी ऐसे ही पेज होता है। तो अब यहाँ तक आप सीख गए होंगे कि कैसे फेसबुक का फैन पेज बनाते हैं। चलिए बैनर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बैनर ऐड करते हैं हम, और बैनर का साइज जरूर देख लें। बैनर आपको नहीं बनाने आता तो मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स हैं उन्हें फॉलो करें कि कैसे लोगो बनाते हैं, कैसे इंट्रो बनाते हैं, कैसे सब कुछ है ट्यूटोरियल्स। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप पिछले ट्यूटोरियल्स को जरूर देखें, आप ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे। अभी देखिए ये जो इमेज है थोड़ी सी हैवी है, पीएनजी है, बड़ी है, तो लोड हो रही है। जब तक ये मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पेज लाइक करेंगे फॉलोइंग्स बढ़ेंगे आपके, यहाँ से कभी भी पेज एडिट कर सकते हो, पिन टू शॉर्टकट, क्रिएट इवेंट, इनवाइट फ्रेंड्स, इनवाइट कर सकते हो फ्रेंड पे। सपोज करो आपके 500 फ्रेंड्स हैं, सबको इन्वाइट कर दो, एक दिन में 200-300 लाइक आपके एक दिन में पेज पे आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आएंगे तो ऐड ए बटन। ऐड ए बटन का मतलब ये हो सकता है कि या तो अगर आप ट्यूटोरियल्स बनाते हैं मेरी तरफ तो मैं वॉच का बटन दे दूंगा, मैं यूट्यूब का लिंक लगा दूंगा। अगर मेरा कोई सर्विसेज है और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करें तो यहाँ मैं कॉन्टेक्ट का पेज डाल दूंगा। यहाँ पे वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आप यूजर को क्या जो कस्टमर है वो क्या आपके लिए क्या हेल्पफुल रहेगा आपके बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, देख रहे होंगे, बुक आवर सर्विसेज, कॉल नाउ, कॉन्टेक्ट अस। यहाँ पे फोन नंबर सिंपल डाल दोगे आप तो कोई भी आपके पेज पे आएगा तो आपको कॉल कर सकता है। गेट इन टच, लर्न मोर अबाउट अस, आप अबाउट अस का पेज डाल सकते हैं। मेक ए परचेज है और डोनेशन, अगर आप चाहते हैं कि कोई बहुत अच्छा पेज है और लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आप डोनेशन का पेज डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अबाउट अस का डालने वाला हूँ, ताकि कॉन्टेक्ट अस का पेज डालने वाला हूँ मैं यहाँ पे, ताकि कोई मेरे फैन पेज पे आता है और मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो सिंपल अपना नाम और अपनी जो क्वेरीज है वो लिखे और मेरे पास वो इसकी इंफॉर्मेशन जो भी है क्वेरीज हो मेरे पास आ जाए। तो देखिए यू हैव अपडेटेड योर कॉन्टेक्ट अस पेज, और देखिए यहाँ पे मेरा बैनर लग चुका है और मैं इसे कर देता हूँ सेव। तो ये देखिए ऐसे आप बैनर बना सकते हो जो अच्छा सा बैनर हो। अभी तो मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है इसको, तो आपने बैनर भी बना लिया हमने। और टेस्ट बटन के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पे टेस्ट बटन करेंगे तो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे कोई चला जाएगा, यानी अगर कोई आपके फैन पेज पे है तो आप कॉन्टेक्ट अस के लिए सीधा आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा। ठीक है, आप जब मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने जो सेट कर दिया हमेशा के लिए सेट कर दिया। जब भी आपको लगता है कि नहीं अब कॉल नाउ का लगाना चाहिए या फिर कुछ और लगाना चाहिए तो आप इजिली उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो सारी रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पे देखते होंगे स्टेटस और फोटोज वीडियोज यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं जैसे मैंने लिंक यहाँ पे डाला फेसबुक पे, बाय डिफॉल्ट फेसबुक ने जो भी मेरे होम पेज पे इमेजेस थे उनको उसने क्या किया, रिट्रीव कर लिया। तो रिट्रीव करने से देखिए अब मैंने फेसबुक पे शेयर कर दिया, यानी जितने भी मेरे अब इस फेसबुक पेज पे फॉलोअर्स होंगे सबके पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी, देख लेंगे लोग। ठीक है, और यहाँ पे और भी कुछ बहुत कुछ है। यहाँ पे देखिए ये बहुत सारी इमेज अभी मैंने कर दी। अब कुछ और मैं आपको स्टेटस, जैसे यहाँ पे आपको वेबसाइट डाल देता हूँ मैं, और ये वेबसाइट हो गई। अब यहाँ पे आप चाहोगे तो इमेज हटा भी सकते हो, अभी 5 इमेज आ रही है तो अभी मैं बताऊंगा कैसे वो हटा सकते हैं। तो अभी मैं आपको वो दिखा देता हूँ थोड़ा सा कंटेंट शेयर करके कि कंटेंट कैसे शेयर कर सकते हैं, जैसे जिसमें कहते हैं स्टेटस शेयर कर। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा कंटेंट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले जाके मैं कर देता हूँ पेस्ट, स्टे कर देते हैं भाई। ठीक है जी, तो ये देखिए अब मैं अपने बारे में कुछ बता भी रहा हूँ प्लस अपनी वेबसाइट को भी शेयर कर रहा हूँ,
ताकि अगर कोई भी देखे और पढ़े तो मेरे सीधे मेरी वेबसाइट पे आ जाए, और ऐसे मैं इमेज को हटा देता हूँ। तो अभी देखिए कैसे लुक एंड फील आ रहा है, सारी इमेजेस हटा दी मैंने, लोगों को लगा दिया, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा आपका, और जब भी कोई क्लिक करेगा उस पेज पे तो सीधा आपकी वेबसाइट पे वो बंदा चला जाएगा। तो एक अच्छा वे होता है, आप प्रोफेशनल वे से अपनी लाइक ब्रांडिंग कर सकते हैं। एक तो आपका प्रोफाइल पेज होता है और दूसरा आपकी बिजनेस के लिए फैन पेज होता है। तो धीरे धीरे जब आपके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं, लाइक्स बढ़ने लगते हैं, तो आप मतलब यहीं से ही बहुत सारा बिजनेस ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अबाउट अस के बारे में पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन आता है, जैसे NIT फरीदाबाद, डिजिटल मार्केटिंग आइडिया, जो आपकी आईडी है, कैटेगरीज। बाद में भी अगर आपको कुछ लगता है चेंज करना है तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। एडिट ML, एडिट वेबसाइट, अबाउट अस कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी आईडी आती है, लाइक्स आप बढ़ा सकते हैं। और तो बस यही था, अगर कुछ और आपके सुझाव हैं, सजेशंस हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर कुछ आपके कंफ्यूजन है वो भी लिख के बताइए, और कौन से नए ट्यूटोरियल चाहते हैं, किसके बारे में आप लोग ज्यादा जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी ट्यूटोरियल्स मतलब आ जाएंगे, आप बस लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।